उफ, अब ये क्या है? कभी कभी लगता है इंसान शायद अपनी परेशानियां खुद ही ढूंढता है। नहीं तो मुझे देख लीजिए, कई गुत्थियों की पहेलियों को लेके मैं कब से चल रहा हूं, नहीं भाग रहा हूं, नहीं एक्चुअली दौड़ रहा हूं। हाँ दौड़ रहा हूं, ये देखिए और दौड़ रहा हूं। पर गुत्थियां सुलझने के बजाय शायद और उलझती जा रही है। कि सुलझ रही है? ना ना, डेफिनेटली उलझ रही है। फिर सोचता हूं छोड़ो इनको, ये क्या सोचेंगे, जिंदगी का दूसरा नाम ही उलझन है। कभी ये कभी वो, कभी इसकी कभी उसकी, कभी मेरा कभी तेरा, या कभी सिर्फ तेरा और मेरा। ना जिंदगी क्या सुलझेगी, इन्हें इनके हालातों पे छोड़ देते हैं। आप सिर्फ वो करें जो आपको करना है। आप दिन में सोना चाहते हैं तो सोएं, किसने रोका है? आप जागना चाहते हैं रात को, जागे, किसने टोका है? और अगर कोई टोकता भी है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? हाँ नहीं पड़ता है। आप खुद की सुने और दिल की करें, यकीनन ये जिंदगी को सुलझाने से तो आसान है। जिए, जी भर के जिए, कुछ खुद के लिए जिए और कुछ खुद के लिए करें और करते चले। फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, क्या फर्क पड़ता है, होने दे। फिर एक दिन अचानक एक रोशनी अपने आप दूर से दिखाई देगी। वो अचानक आएगी और अचानक ही सब कुछ आसान हो जाएगा। चीजें साफ दिखने लगेंगी। जिन गुत्थियों ने नाक में दम कर रखा था वो अपने आप सुलझने लगेंगी। आपको लगेगा ये तो कमाल है, जैसे कोई जादू, अपने आप ये कैसे ठीक हो गया, मैंने तो सोचना भी छोड़ दिया था। वाओ, ये जादू है, सचमुच जादू। फिर लगेगा जब सब कुछ ठीक ही होना था तो इतने सारे दिन और रातें क्यों खराब किए मैंने, इतनी तकलीफें क्यों मिली जब रास्ता आसानी होना था, किसी का दिल क्यों तोड़ा, किसी को यूं क्यों छोड़ा, किसी भी चीज को खुद से बड़ा क्यों बनाया, क्यों इन गुत्थियों में खुद को उलझाया। जब सब कुछ आसान हो जाता है तो एक बात समझ में आती है, अच्छे वक्त की तरह बुरा वक्त भी चला जाता है। कैलेंडर बदलते रहना चाहिए, टिक टॉक टिक चलते रहना चाहिए, फिर सब कुछ जादू है, सचमुच जादू।